अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम स्टार्ट करते हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के हवाले से पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात हो गई थी। हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का अब जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का साइकिल चलना है, अब हम वो डिस्कस करने लगे हैं जो इस वक्त गौर करने की बात है। उसके अलावा कुछ और पार्ट, जैसे कल हमने सोरस की बात की थी, उसमें स्पोरेंजिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ मजीद बातें के जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर कहाँ मौजूद होते हैं, ये सारा कुछ अब आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, चाहे वो बॉटनी हो और चाहे वो पीटीबीबी हो। ये हमने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर का इंतखाब आज किया है, तो इसलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ, बाकी बातें जो है वो बाद में होंगी। अब इसमें दो तीन बातें मैं लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम से पहले ये करूँगा कि लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम में जो बात जहन में रखने की है वो ये है कि ये अब एक ऐसा लाइफ साइकिल है जिसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, जो कि हमने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे स्पोरोफाइट्स हैं वो डोमिनेंट होंगे। अब यहाँ ये बात जो है, ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी की और इस लेक्चर में, क्योंकि जो इसका लाइफ स्टाइल है, लाइफ साइकिल है एडियंटम का, ये एक सैंपल लाइफ स्टाइल है अपने से पिछले ग्रुप्स के लिए भी, क्योंकि हमें ये पता है कि इसके बाद जो अब हम अपनी बुक के मुताबिक लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं, दो प्लांट्स आर सीड प्लांट्स, ए के ए जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, तो इसके बाद जो है वो तो सीड डेवलप हो जाना है। तो हम यहाँ पर ट्रैकियोफाइट्स में, जो एम्फीबियस ट्रैकियोफाइट्स हैं, उनमें हम लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब ये एक लाइफ स्टाइल रिप्रेजेंट करेगा पिछले वाले ऑर्गेनिज्म, यानी साइलोप्सिडा को भी, लाइकोप्सिडा को भी, या साइलोफाइटा को भी, लाइकोफाइटा को भी, सिनोफाइटा को भी और टेरिडोफाइटा को भी। तो ये एक लाइफ साइकिल है जो सैंपल के तौर पर पिछले वाले ग्रुप्स के लिए भी एक जो है वो हम सैंपल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि सबसे पहली बात मैंने जो यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो मैंने कल भी बहुत दफा की थी, वो ये है कि एक तो एम्फीबियस लाइफ साइकिल है, नंबर टू डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, ये दोनों बातें ध्यान में रखने वाली हैं ये ब्रायोफाइट से कंपैरिजन के लिए। इसके बाद देखिए ये लाइफ साइकिल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम लाइफ साइकिल वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा। मैं स्पोर से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, इसकी रीजन आपको लाइफ साइकिल के एंड पर पता लगेगी, लेकिन लेट स्टार्ट द लाइफ साइकिल। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि स्पोर जो है वो फॉल करता है, जैसे ही स्पोर फॉल करता है जमीन के ऊपर तो वो जर्मिनेट करना शुरू करता है। और यहाँ पे अब एक और इसकी सिमिलैरिटी मैं ब्रायोफाइट के साथ बता दूं, देखिए इसकी गैमेटोफाइट को कल हमने नाम दिया था प्रोथेलस, ये तकरीबन सिंगल सेल थिक होती है। यहाँ से आपने जितने मेरा लेक्चर अटेंड किया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा वाला, एक पॉइंट क्लिक होना चाहिए, वो पॉइंट क्या है कि उसमें भी एक स्ट्रक्चर बनता था स्पोर गिरते ही, और वो स्ट्रक्चर क्या था, प्रोटोनीमा बन रहा था। लेक्चर लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा आप जाकर देख लीजिए, और इसमें भी क्या कर रहा है, स्पोर गिरते ही एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं प्रोथेलस, एंड दैट स्ट्रक्चर इज दिस वन, ये प्रोथेलस या इन अदर वर्ड गैमेटोफाइट कहलाएगा। और इस गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, जैसे ही ये स्पोर गिरता है, गैमेटोफाइट ग्रोथ की ग्रोथ होना शुरू होती है, तो ये एंथेरिडियम एंड दिस वन इज आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम में से जो स्पर्म है, कल भी बात हुई थी कि फिल्म में से होता हुआ ये आर्चिगोनियम एंथेरोजॉइड जो है उसमें से स्पर्म फिल्म में से होता हुआ आर्चिगोनियम में जाता है और वहां जाके एग को फर्टिलाइज करता है। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम है वो एक ही टाइम पर नहीं बन रहे, बल्कि एक एंथेरिडियम हो सकता है लेट बने और आर्चिगोनियम जल्दी बन जाए। ऐसे मौकों पे क्या होता है कि ये इतने क्लोजली प्लेस्ड होते हैं एक दूसरे के कि एक का एंथेरिडियम पहले बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक गैमेटोफाइट ये है, एक गैमेटोफाइट ये है, इसका एंथेरिडियम पहले बन गया, इसका आर्चिगोनियम पहले बन गया। तो अब आप देखिएगा कि इसके एंथेरिडियम में से स्पर्म निकल के इसके आर्चिगोनियम में आकर फर्टिलाइज कर देंगे, एक मिक्सिंग हो रही है। जाहिर है तो इनका पेरेंट प्लांट एक ही, लेकिन एक और बात गौर करने की है कि जब स्पोर गिरा था तो उसमें मियोसिस हुई थी, जिस स्पोर से ये बॉडी बनी
वो डिफरेंट था उस फोर्स से जिससे ये बॉडी बनी। तो इसका मतलब है इसका स्पर्म अगर इसके एग को अगर फर्टिलाइज कर देता है तो यहाँ पर वैरायटी प्रोड्यूस होगी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर इसका एंथ्रीडियम पहले बन रहा है, इसका आर्चिगोनियम पहले बन रहा है, तो इसका स्पर्म इसके एग को फर्टिलाइज कर देगा। अब जो प्लांट बनेगा वो एक यूनिक प्लांट होगा। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है कि इसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम सेम टाइम पर नहीं बनते बल्कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पर बनते हैं। बहरहाल इस डायग्राम में जो आपको अवेलेबल है आपकी स्क्रीन के सामने वो ये है कि ये दोनों सेम टाइम पर बन रहे हैं। यहाँ से एंथेरोजॉइड यानी स्पर्म आता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है। कल वाली पिछले लेक्चर वाली बात जो है वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वो क्या है कि हमारा जो ये एग है ये अब यहाँ पर इसी आर्चिगोनियम में डेवलप होगा। इसी के अंदर से ये अब देख लीजिए स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होना शुरू हुई है और इसकी रूट्स देख लीजिए, इट इज एक्चुअली ये जो स्पोरोफाइट का प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है नीचे की तरफ जो चीज आ रही है दैट इज राइजोम। ये देख लीजिए ये राइजोम जो है ये जमीन के नीचे मौजूद है। एक्चुअली इतना हिस्सा जो है वो जमीन के नीचे है, बाकी जमीन के ऊपर मौजूद है, राइट? तो उसके बाद क्या होगा कि अब ये देखिए राइजोम में से लीफ निकलना शुरू होंगे। दिस इज वन लीफ, दिस इज सेकंड लीफ, दिस इज थर्ड लीफ। और आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इन लीफ का एक खास कर्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स इंड्यूसियम। मैं फिर कह रहा हूँ पिछला लेक्चर जाकर देखिए, ये सारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होगा। और उसके नीचे ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया मौजूद होंगे जिनको आपने क्या कहा था, जिनको आपने कहा था सोराय मल्टीपल या सोरस सिंगुलर। आप देख लीजिए ये एक सोरस है, ये एक बड़ा सारा ग्रुप है और क्योंकि ये एक ही स्टाक के साथ लगा हुआ है लिहाजा इस एक स्टाक से लगे हुए ग्रुप को, सिंगल ग्रुप को हम सोरस कहेंगे। आगे देखिए इसका एक सोरस क्योंकि ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है लिहाजा अब हम एक स्पोरेंजियम को एनलार्ज करके देख रहे हैं। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये डायग्राम में सामने आपके गिवन है। देख लीजिए कि स्पोरेंजिया सारों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक को एज ए सैंपल उठाकर देखेंगे तो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये स्पोरेंजियम है, राइट? अब स्पोरेंजियम के दो टाइप्स के सेल होते हैं, ये आपको यहां पर नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं एक दूसरी डायग्राम ओपन करता हूं। ये देखिए इसमें दो तरह के सेल उसने शो किए हुए हैं, एक सेल है जिनको उसने नाम दिया है एन्यूलस का और दूसरे सेल है जिसको उसने नाम दिया है स्टोमियम का, दिस वन, राइट? सो आप देखिएगा ये जो दिस वन इज एन्यूलस एंड स्टोमियम, दो तरह के सेल्स जो है वो इसने यहां पर आपको शो किए हैं। ये जो एन्यूलस और स्टोमियम है इनका बड़ा बेसिक रोल है स्पोरेंजियम की वर्किंग में। स्पोरेंजियम की वर्किंग क्या है? स्पोरेंजियम की वर्किंग ये है कि इसने स्पोर्स को कवर रखना है। इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से पता है, ऑल्टरनेशन और जनरेशन लेक्चर नंबर 2 जाकर आप देख सकते हैं, आपको पता है कि स्पोर स्पोरेंजियम में बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, राइट? सो अब यहां पर एन्यूलस और स्टोमियम का क्या काम है, देखिए इसका मैं स्ट्रक्चर आपको और मजीद डायग्राम से समझाता हूं। एन्यूलस और स्टोमियम का अपनी जो वर्किंग है उसमें इन दोनों ने बयक वक्त वर्किंग करनी है स्पोर को कवर करने के लिए भी और स्पोर को विंड के जरिए फैलाने के लिए भी। इधर देखिएगा यहां पर हमारे पास कुछ डायग्राम गिवन है, हम जो है वो देखते हैं। ये देखिए ये एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, ये एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिएगा ये एन्यूलाई सेल्स हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये एन्यूलस के सेल्स हैं और यहां पर स्टोमियम के सेल्स मौजूद है। वाजे तौर पर एक फर्क आपको नजर आ रहा है और वो क्या है कि एन्यूलस के सेल्स जो हैं वो बड़े हैं और थिक हैं जबकि जो स्टोमियम के सेल्स है ये छोटे भी हैं और बहुत डेलिकेट भी हैं। होगा क्या होगा ये कि जब, और एक और चीज यहीं पर यहां से डिस्कंटिन्यू करके एक और चीज आपको बताऊं, ये स्टॉक है जिससे बाकी स्पोरेंजिया भी जुड़े हुए हैं और उस पूरे ग्रुप को आप सोरस कह रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए इसमें क्या होने वाला है कि जब सीजन आएगा ड्राई सीजन, एक्चुअली इनका जो स्पोर फैलते हैं वो ड्राई सीजन में फैलते हैं, जब ड्राई सीजन आएगा तो एन्यूलस के सारे सेल ड्राई हो जाएंगे। इन ड्राई होने की वजह से ये सारे सेल पीछे को खींचेंगे, मैं आपको इसका अगली डायग्राम में दिखाता हूं। ये ड्राई सीजन में क्या हो रहा है, ये एक सेल का साइज था, एक सेल का साइज ये है, लेकिन ड्राई सीजन में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है। जब वाटर निकलेगा तो ये सारे सेल स्क्वीज होंगे, देख लीजिए ये सारे सेल स्क्वीज हो रहे हैं
और ये जो आपको ये देखिए ये वाली डायग्राम, ये आपको क्या बता रहा है कि इसकी स्क्वीजिंग का टाइम आया हुआ है। स्क्वीजिंग की वजह से ये अंदर की तरफ खींच रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं, ये देख ले ये एरोज और ये एरोज, ये आपको बता रहे हैं कि सारे सेल अंदर को खींच रहे हैं। जब ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इधर से ये पूरा जो एन्युलाई के सेल्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो ये थिन वॉल्ड सेल्स थे ये वाले, ये थिन वॉल्ड सेल ये किसके हैं, ये स्टोमियम के सेल्स हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही थिन वॉल्ड सेल्स थे लिहाजा पीछे को खींचने की वजह से ये सेल बर्स्ट हो गए। जैसे ही ये बर्स्ट होंगे नाउ यू आर लुकिंग एट द स्पोर्स, तो अब स्पोर्स जो हैं वो फौरी तौर पर विंड के जरिए फैलना शुरू कर देंगे। हम अगर थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्पोर्स हैं ये विंड के जरिए फैलना शुरू हो गए हैं, ये देखिए स्पोर्स विंड के जरिए फैलना शुरू हो गए हैं। और जब दोबारा से अब इसमें देखिए ये अब क्या होगा, इसमें एक एयर बबल बनेगा क्योंकि ये स्क्वीज हुए थे ना, अब ये अपने ओरिजिनल साइज में आने के लिए ड्राई सीजन में दोबारा वाटर तो गेन नहीं कर सकते, लिहाजा अपने अंदर ये एक एयर बबल बनाएंगे। एयर बबल की वजह से इनका क्या होगा, इनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होके वापस आए थे, अब ये एयर बबल की वजह से इसका साइज दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा और ये अब यहाँ से बैकवर्ड मूव करेंगे वापसी की तरफ और अब ये दोबारा अपने साइज में इन्होंने अपना साइज गेन कर लिया। तो आप देख लीजिए बहुत दिलचस्प चीज है कि ये जैसे ही ड्राई सीजन होगा कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसके बाद फिर ये एयर बबल के जरिए वापस अपना साइज अटेन कर लेंगे, लेकिन उतनी देर में विंड के जरिए स्पोर्स जो हैं वो फैल चुके हैं, राइट। तो ये इनका जो स्पोरेंजियम है उसका स्ट्रक्चर है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये डायग्राम जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त है। ये देखिए ये एन्युलस के सेल्स, ये स्टोमियल सेल्स हैं, ये वाले दीज आर स्टोमियल सेल्स, ये स्टोमियल सेल्स हैं और ये सारे के सारे क्या क्या पड़े हुए हैं, दीज आर स्पोर्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आप देख लीजिए जैसे ही स्टोमियम बर्स्ट होगा इसके अंदर से स्पोर्स निकल आएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि कैसे ये बर्स्ट होंगे और इसके अंदर से स्पोर कैसे निकलेंगे। तो वापस चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, हम कहां पढ़ रहे थे, ये देखिएगा। अब यहां से देखिए एन्युलस के जो सेल्स थे उन्होंने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, स्टोमियम बर्स्ट हुआ, ये स्पोर जो है वो फैल रहे हैं और वंस अगेन ये अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करें। सो जो यहाँ पर एम्फीबियस लाइफस्टाइल, मैं इसको बार बार एम्फीबियस लाइफस्टाइल क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको बार बार ब्रायोफाइट से क्यों मिला रहा हूँ, बिकॉज दे आर रिजेम्बलिंग ब्रायोफाइट इन दिस सेंस। जस्ट लुक एट दिस, ये इसको देखिएगा जरा, ये वाला एरिया, ये इसकी वजह से आप इनको एम्फीबियस लाइफस्टाइल कह रहे हैं, इस वजह से ये एम्फीबियस लाइफस्टाइल जो है ये इस वजह से है क्योंकि इनको स्पर्म, चाहे एक गैमेटोफाइट दूसरे गैमेटोफाइट तक अपना स्पर्म पहुंचा रही है, बट दे आर स्टिल यूजिंग द वाटर फिल्म, और वाटर पे जब रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट होती है, तो हमने ये बात शुरू में की थी ब्रायोफाइट के इंट्रोडक्शन में कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने स्पर्म की ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होगा तो उसका लाइफस्टाइल एम्फीबियस होगा। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, राइट। तो ये सारा लाइफ साइकिल आपके सामने है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप पिछले लेक्चर को कंसल्ट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लेक्चर जो है वो अपने कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।